चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मेरी वीडियो देख करके और दिल्ली आने का कष्ट करें। मुझे नाम मतलब वर्मा उठाने पर और जवान लिखने पर मुझे मजबूर किया गया है। मेरे हिंदुस्तान में दलित परिवार का भी एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद कहाँ हो गया, हमारे साथ तो सताया जा रहा है, हमारे साथ पे तो हैं गुलामी जैसा सलूक किया जा रहा है हमारे। हेलो दोस्तों, मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ एक इलाका है मयूर विहार फेज़ वन, और यहाँ पे एक छोटा सा इलाका है हिंदुस्तान टाइम्स का अपार्टमेंट, उसके ठीक सामने ये हैं राम अवतार वर्मा, जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी जाति को लेकर इन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। राम अवतार वर्मा दरअसल वर्मा लिखते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्मा नहीं चमार लिखो। ये पूरा मामला देश की सुर्खियों में इस समय छाया हुआ है। आइए राम अवतार वर्मा जी से आपकी बात कराते हैं। राम अवतार वर्मा जी, क्या अभी तक आपकी शिकायत दर्ज नहीं की पुलिस ने? नहीं जी, अभी तक दर्ज नहीं की। मैं जयमाले के थाने में भी 2-3 चक्कर काट लिया, मेरे को बुलाया थाने में भी, उल्टे सुलटे सवाल पूछ रहे हैं थाने वाले। फिर मैंने DCP साहब को लेटर लिख के दिया, फिर वो SCP साहब ने मेरे को फ़ोन किया, SCP साहब से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने जो भी कागज कानून कार्रवाई करवाई वो मैंने कर दी है ना, और अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जी, मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करूंगा कि मेरी जल्द से जल्द मेरी सुनवाई करें और कानून कार्रवाई करें, जी एल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। इस पूरे मामले के बाद राम अवतार जी, एक बहुत बड़ा सुर्खियों में आप फिर आए जब RSS ने कार्यक्रम कराया, तमाम मोची समुदाय के लोग पहुँचे थे, आप भी वहाँ पर थे, GL वर्मा खुद मौजूद था, तो क्या आपको इन्वाइट किया गया था? नहीं नहीं, वो तो सभी मोचियों को ये सामान दिया गया था, पता नहीं कौन सी मतलब कौन सी संस्था थी वो, है ना, और वो जयमाले सभी हमारे मयूर विहार के जितने भी जो मौसी थे ना, उनको सबको ही ये मतलब जयमाले उजार दिए थे और जयमाले वो बैनर वनर दिए थे, जिसके नाम था उसी हिसाब से नाम लिख के दिए थे, ये दिया था उनको। तो अगर मैं इस वर्मा को लिख दूं तो क्या होगा? मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या होगा? पुलिस एक्शन लेगी, क्या होगा? मैं ये चाहता हूं कि मतलब अब मुझे कानून से ही लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो मुझे मार भी सकता है। कानून तो आपकी बात नहीं सुन रहा है ना? नहीं सर, ये जय मान लो कि देश आज़ाद है, देश आज़ाद के अंदर जय मान लो जो मेरे साथ गुलामी जैसा सलूक किया जा रहा है, और जय मान लो कि मुझे बहुत सताया जा रहा है, मुझे दुकान की धमकी दी है GL वर्मा ने, हैं, और मुझे नाम मतलब वर्मा उठाने पर और जवान लिखने पर मुझे मजबूर किया गया है। किस तरह की धमकी मिल रही है? धमकी तो ये है कि जय मान लो कि देखो कि भाई तू वर्मा मत लगा, चमार लगा, हैं, वर्मा तो हम हैं, हैं, नहीं तो तेरी दुकान उठा दूंगा। बताओ क्या मतलब, कोई न्याय नहीं मिल रहा है मेरे को। तो क्या कोई नेता आपके सपोर्ट में आया, कोई जनप्रतिनिधि आपके पास मिलने आया? नेता तो कोई नहीं आया साहब, मैं ही हूँ जय मान ले। अब जो जय मान ले अब कानून के पास जाऊँ तो कानून का सहारा ले रहा हूँ, कानून भी मुझे सहारा नहीं मिल रहा है। मुझे मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे जय मान ले मेरे गरीब आदमी को, मैं दलित परिवार से हूँ, मुझे सताया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है राम अवतार जी कि अब कहा जा रहा है 2024 में दलित प्रधानमंत्री लाइए, दलित PM आज तक देश को नहीं मिला है। नहीं मिलना चाहिए, दलित परिवार को भी मुझे प्रधानमंत्री मिलने का मौका दिया जाए, नहीं तो देश मतलब जहाँ स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। हम तो शुरू से ही जय मान ले कि हमारे को तो गुलामी जैसा सलूक किया जा रहा है, हैं, फिर कहते हैं जय मान ले हिंदुस्तान के, जय मान ले हिंदुस्तान आज़ाद कहाँ हो गया, हमारे साथ तो सताया जा रहा है, हमारे साथ पे तो हैं गुलामी जैसा सलूक किया जा रहा है, हमारे को कोई इज्जत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है हमारे को। तो बताओ, तो क्या अभी भी आपको परेशान किया जा रहा है? परेशानी है मुझे, धड़का और है कि जय मान ले मैंने कदम तो उठा लिया, लेकिन अब जहाँ जी एलो ब्रह्म मुझे सख्त खतरा है उससे कि कुछ भी कर सकता है मेरे साथ में। वो सख्त खतरा भी है? हाँ जी। तो आपने तो उसकी बात मान ली, अब क्या खतरा है? किसकी बात मान ली? उसी की बात मान ली, वर्मा आपने हटा दिया। हटा दिया, लेकिन फिर भी जैसे मान ले मैं पुलिस के पास गया हूँ तो GL वर्मा को पता पड़ा है कि भाई जय मान ले पुलिस के पास में गया है तो मुझे संख्या लग रही है, क्योंकि ये दिल्ली है, अब इसमें कौन किसका क्या है साहब, मैं तो अकेला आदमी हूँ साहब यहाँ। तो क्या मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण जी हैं, क्या उनसे आप क्या कहेंगे कि वो भी आपकी समर्थन में आपके सपोर्ट में आए, आप दलित परिवार से आते हैं इसीलिए? मैं देखो मायावती बहन जी से निवेदन करूंगा कि वो मेरे जो संकट की घड़ी में मेरी मदद करें, और चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मेरी वीडियो देख करके और दिल्ली आने का कष्ट करें और ये मेरा जो भी है मुझे न्याय दिलाएं। क्या वाकई दलितों की स्थिति देश में यही है जो आपके साथ हो रहा है? कहते हैं जाति खत्म होगी, लेकिन फिर भी जाति जाति नहीं। देखो गांव दीवार तो में होता है, लेकिन दिल्ली केंद्र के भी अंदर होता जा रहा है। मैं दलित परिवार से हूं और मतलब जयमाले मेरे को नाजायज सताया जा रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि दलितों का उत्थान हो रहा है, दलित प्रगति कर रहा है, लेकिन देश की राजधानी में ये घटना तो शर्मसार करने वाली है राम अवतार जी।
अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं मायावती बहन जी से और चंद्रशेखर जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो मेरी बात पे गौर करें और मेरे हिंदुस्तान में दलित परिवार का भी एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो आपने सुना, शुक्रिया राम अवतार जी। तो आपने सुना, राम अवतार जी लगातार परेशान हैं और मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मैं देख रहा हूँ, फॉलोअप ले रहा हूँ। और एक बड़ी बात राम अवतार जी ने कही है, मायावती जी जो बहुजनों के नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जो बहुजनों के नेता हैं, दलितों की बात करते हैं, अब राम अवतार जी चाहते हैं कि वो लोग आएँ, मायावती जी आएँ, चंद्रशेखर रावण जी आएँ, तभी जाकर इनको इंसाफ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये भी एक बात ये भी बोल रहे हैं कि अब देश को दलित प्रधानमंत्री भी मिलना चाहिए जिससे दलितों पर हो रहे अत्याचार में कमी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर जी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।